तो यार घर से मैं निकल आया हूँ बहुत दूर, क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, जनरेटर की आवाज़ हो रही थी बेसिकली, और बाकी तो आवाज़ें ही आवाज़ें थी दिन भर यार। तो बस दिन भर सब बोलने का मौका मिला और मैं बैठा हूँ पूरनपुर की स्लैब पे। और ये स्लैब कैसी है, मतलब बेंच पे रखने का मतलब है, ये बेंच है स्टेशन की, क्योंकि स्टेशन के जस्ट पास ही मामी का घर था जहाँ पे राजा मां रखे थे भागवत के लिए। बहुत बढ़िया भागवत गई है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कल तो और ज़्यादा आने वाला है, कल बहुत से औसम चीज़ें होने वाली, लेकिन अफसोस मुझे कल निकलना भी पड़ेगा। तो जितना मिल पाएगा उतना आपको दिखा दूँगा। बाकी तो फिर आज मैं जा रहा हूँ बाहर, क्योंकि अच्छा पीछे घर है मामी का और जस्ट क्रॉस करके जाना पड़ता है रेलवे क्रॉसिंग के उस साइड, और उस साइड जाकर क्या मिलता है स्टेशनरी पे, मुझे कुछ काम है तो बोला काम निपटा लेता हूँ और बाकी फिर मिलता हूँ आपसे, चलते हैं उधर। दूसरी बात, ऐसे क्रॉसिंग तो मैं पार नहीं करनी है कभी भी, लेकिन अभी चूंकि ये लाइन रनिंग नहीं है, बिल्कुल ठप हो रखी है, कोई यहाँ से ट्रेनें नहीं गुजरती, इस वजह से यहाँ से जा सकते हो, नहीं तो ऑलवेज टेक द पुल, इंग्लिश हिंदी में। क्रॉसिंग तो मैं क्रॉस करके आ चुका हूँ इधर, मतलब और यहाँ पर होता ना मेन स्टेशन पहले, अभी भी है लेकिन अभी पूरा रेनोवेट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे नया स्टेशन बन रहा है, बड़ी लाइन कन्वर्ट हो रही है ना छोटी लाइन से, तो इसके पार ही है जाकर। अभी पता करता हूँ स्टेशनरी की दुकान कहाँ मिलेगी, उसके बाद दिखाता हूँ आपको जैसा भी होता। और तुम्हें एक फन फैक्ट बताऊं, मतलब यहाँ की मार्केट एग्जैक्ट लखीमपुर की मार्केट की तरफ मतलब दिख रही है फिलहाल, तो कई दुकानें बंद हो गई हैं लेकिन स्टेशनरी कहाँ थी है पता नहीं, आसपास ही बता रहा था, हो सकता बंद हो स्टेशनरी, लेकिन निपटाना तो हियर वाला काम ऐसे नहीं आ सकता दोस्त। तो बस टहलने के लिए अब मैं आ चुका हूँ यही रेलवे स्टेशन पर, पीछे बोर्ड लगा हुआ पूरनपुर स्टेशन का, अभी वर्किंग नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मैंने तो बहुत एंजॉय किया, होपफुली आपने भी एंजॉय किया होगा। मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और व्लॉग में आज मैं जाते हुए कहाँ देखा हूँ, मैं निकल घर वापस क्योंकि कल से मीटिंग वगैरह है यहाँ पे और कोई काम ऐसा मेरा है नहीं, तो निकलना भी ज़रूरी था एक दिन, बल्कि मैं एक्सटेंड करके ही आया था यार। मुझे ये लग रहा था कि कम से कम जा रहा हूँ तो आने जाने वाला सिस्टम ना हो, पहले यही हो रहा था कि मैं आता मम्मी को छोड़ता और एक दो घंटे में निकल जाता, लेकिन वैसा नहीं है, एक दिन रुक गया, बहुत मज़ा आया, काफ़ी अच्छा रहा, कुछ खा के निकल नहीं पाया था मैं, तो थोड़ा बहुत दिखाऊंगा स्ट्रीट फूड ही एक्सप्लोर अगर इस समय लगा हुआ मिल गया मुझे तो। वैसे यार टिक्की पकौड़ी का कल्चर कुछ ज़्यादा ही है, तो फिलहाल तो कुछ दिख भी नहीं रहा है मुझे, बाकी देखते हैं अगर कुछ खाने वाला मिलता ज़रूर आपको दिखाते हैं। चलो फिलहाल तो मुझे बस लेने की भी जल्दी है कि क्या हो सकता टुकड़ों में ही जाना पड़े। तो पहली जगह पे ये देखिए आलू की पकौड़ी ट्राई करके देखते कैसी बनी है, बाकी तो निकलना हमें इस तरफ है, मार्केट में भीड़ काफ़ी हो चुकी है, तो दो पेपर के बीच में रख के भैया ने दबा दिया, अब मुझे लगता है शायद तली जाएगी या फिर ऐसी दी जाएगी जो कुछ भी है। देखो हमारे समय पे ऐसे घड़ियाँ बिकती थी पानी में डुबा डुबा के, मार्केटिंग का नेक्स्ट लेवल है भाई ये तो। पान बहुत जगह का चक्कर रखा हमने मीठा वाला, लेकिन आज पूरनपुर का चक्कर देखेंगे, भैया लगा रहे हैं हरे पत्ते और पीले पत्ते वाला डिफरेंस यार, कहीं पे दिखा नहीं है मुझे ऐसा, लेकिन यहाँ पर रहता है, तो हमने तो पीले वाले में ही लगवाया, भैया बोल रहे हैं इसकी तासीर कम होती है उससे, बस लग रहा है खा के बताएंगे अगर कैसा हो रखा है। अब हम पान उतना खाते नहीं है, लेकिन किसी ने कहा था यार ट्राई करके देख लेना भाई, बहुत अच्छा नहीं था, मशहूर जरूर होगा लेकिन वो खुद के बनाने के लिए मशहूर है, हमने पता किया है यहाँ पे, तो पान वगैरह का काम ज़्यादा होता है यहाँ पे वैसा वाला सिस्टम है। फिलहाल चलते हैं, अगर कचौड़ी की कहीं दुकान दिखती है तो कचौड़ी भी खाएंगे, क्योंकि बताया है किसी ने वो भी फेमस है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, बाकी तो आपको दिखाएंगे ही। धुआँ छोड़ दिया भाई सामने, तो फिलहाल यहाँ पे दुकान ऐसे कपड़ों वगैरह की इन्हीं में से जा रहे हैं, राजेंद्र की दुकान ढूंढना है अल्टीमेटली हमारा गोल भाई। बहुत दुकानें हैं भाई पूरनपुर, इतना डेंस जगह है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी सारी दुकानें, इसका कोई जवाब नहीं। फिलहाल चलते हैं आगे और दिखाते हैं। और इधर तो शायद कोई मंदिर है, यही लग रही है राजेंद्र की दुकान, पता करते हैं जरा, ये राजेंद्र की दुकान यही है, वो देखो फेमस कचौड़ी, भैया कचौड़ी लगा देना। तो राजेंद्र जी की दुकान को जैसी दिखती है वही खड़े हुए हैं, और सिंगल अभी ले लिए, फिलहाल खा कर देख के बताते हैं कैसा टेस्ट है क्या। तो जितना फेमस स्पॉट बताया था उतना ही फेमस स्पॉट निकला है, राजेंद्र जी की कचौड़ी एकदम से एक्सपीरियंस अलग है, बहुत जगह खा रखी, पीलीभीत की काफ़ी मशहूर थी, और इसके अलावा फिर लखीमपुर में भी थी कचौड़ियाँ जहाँ दिखाई थी इससे पहले मैंने, लेकिन भाई यहाँ का जवाब ही अलग है। कैसी लगी हुई आपको कचौड़ी,
बहुत ज़बरदस्त है जैसे कि भैया ने बताया। और पूरनपुर का काफ़ी फेमस स्पॉट है, मतलब ऐसा नहीं है, जिसने भी बताया सीधा बोला कि सीमेंट रोड जाइए तो कुछ स्पेशल खाने को मिलेगा। वैसे ही पीछे रामचंद्र जी खड़े हुए थे, बस यहाँ से हमने खा लिया है, रेटिंग भी बहुत सही था, फिलहाल निकलते क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ राजेंद्र जी की दुकान से सीधा आप निकलोगे ना तो सामने ये वाली दुकान आपको मिलेगी, मिठाइयों से भरी हुई है यार, एकदम फ्रेश दुकान और काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई है भैया। क्या मैंने देखा पूरनपुर में कहीं इतनी साफ़ सफाई मुझे एक्चुअली नहीं दिखी है जितनी साफ़ सफाई आपकी दुकान में दिख रही है। तो अभी यहाँ पे फिलहाल एक आध एक पीस ले रहा हूँ मैं, एक उसका भी कर दीजिए भैया। चलिए इसके अलावा बाकी यहीं की मिठाइयाँ देख लेते हैं, खाते फिर बताते हैं आपको कैसा। तो भैया के यहाँ से मिठाई ज़रूर खा के जाना यार, बहुत ज़्यादा फ्रेश थी ये वाली। तो कई यारी कौन सी थी इसका नाम क्या? दूध की लौंज। अरे भाई ये तो ये मलाई के लड्डू तो होते ही बढ़िया है, लेकिन लौंज जरूर खा के जाना भाई, बहुत ज़बरदस्त ज़्यादा टेस्टी थी। बस इनकी दुकान के जस्ट सीधा सामने यहाँ पे थोड़ा ब्लॉगिंग और इन सब का कॉन्सेप्ट नया ही है अभी, तो फिलहाल किसी ने मुझसे पैसे नहीं लिए वहाँ पे, जो कि मैं चाह नहीं रहा था, देने की कोशिश करी लेकिन मना कर दिया। बाकी तो क्या ही है, निकल चलते बस यहाँ से। देखो मैंने बताया था ना पान का व्यापार बहुत तगड़ा होता है यहाँ पे, क्योंकि खाने वाले काफ़ी ज़्यादा हैं। दो बार मारे उसे ड्राइवर को भी। लखीमपुर में पहुंच चुका हूँ और बहुत ही आराम से सफर निकल गया। सफर में यार पता नहीं क्या ये इंस्टिंक्ट रहते हैं मेरे, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे कभी एहसास ही नहीं होता पूरे सफर का, मतलब ऐसा हो जाता है कि दिमाग कहीं और ही लगा रहता है, या तो मैं सोचता रहता हूँ किसी काम के बारे में, नहीं तो प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ नहीं होता सफर के दौरान, तो बहुत जल्दी सफ़र कट जाता, जो कि मैं सोचता हूँ कि बहुत सही चीज़ है मेरे साथ हो रही। बस अब घर पहुँच जाता हूँ, घर तो फिलहाल तो कोई नहीं होगा, लेकिन काम तो करना ही है ऑब्वियसली, तो काम के लिए जो चीज़ ज़रूरी है घर पे वो ज़रूर मिल जाएगी। लैपटॉप की बात कर रहा था, चलो बस निकल चलते घर पहुँचते फिर मिलते हैं आपसे। हाँ कहाँ गए थे हम? हाँ हाँ मम्मी कहाँ? मम्मी आएंगी कल परसों। क्यों? अभी पूजा बची हुई है ना इसलिए। आए? पूजा बची हुई है इसलिए। क्या देखेगी? पूजा बची हुई है इसलिए। पूजा बची है? हाँ। अच्छा? हाँ। बची क्यों है अभी तक? क्योंकि हुई क्यों नहीं पूरी? क्योंकि 5 दिन की थी इसलिए। है? क्योंकि 2 दिन की बची है इसलिए। 2 दिन की बची है? हाँ। परसों आएगी? हाँ। कि कल? परसों। माता जी नमस्ते। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते अंकल जी, और कैसे हैं? बड़ी अंकल जी आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं अंकल जी, आज हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट लेकर आ रखे हैं और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं लखीमपुर वेस्टीज का, मतलब समझ लो जो निचले लेवल से काम चालू किया और यहाँ तक पहुँच गए कि हाईलैंड भी घुमाए 2 बार ना, और इसके अलावा अब तो टूर खुद लगाना बंद कर दिया लेकिन टूर के ऑफर मिलते हैं और कार भी वेस्टीज के थ्रू मिल चुकी है, बहुत बड़ी बात है इतना काम कर देना हमने शहर के लेवल पर, तो बस मौज मस्ती के लिए ही नहीं है सीरियस, उसमें काम में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन है नहीं है दादी। तो अंकल जी के दांत वाली प्रॉब्लम है, अब यहाँ शहर में मैं आपको कौन से डॉक्टर बताऊँ, लेकिन आपकी तो जान पहचान होगी अंकल, लगवा लीजिए। मैंने पूरी सुबह को एक सर्जन डॉक्टर है। हाँ अब उनसे लगवा लीजिए, तो जब दांत हो जाएंगे तो खाने भी लग जाएंगे ना, तो सेहत भी अच्छी हो जाएगी आपकी। ये तो है, वो चबा ही नहीं पाते होंगे आप वैसे। अच्छा हाँ ये तो है अंकल, बाकी अभी घर पे कोई है नहीं इसलिए अंकल पानी के साथ ही खा रहे हैं, नहीं तो घर पे लेडीज रहती है तो चाय वाय बन जाती है, फिलहाल तो मैं ही हूँ और दादी हैं तो इसलिए। और मैं बताने वाला तो एक चीज आज पता क्या हुआ सुन, हमारे बस ड्राइवर ने उतर के पीछे वाले बस ड्राइवर को मारा कंटाप कंटाप। अरे यार वो पता है सामने ट्रक वाला था एक्चुअली, बस वाला नहीं था, तो बस के सामने चला रहा था हमारी वाली, 2 बार कोलाइड होते होते बच गया, मतलब एकदम अर्जेंट ब्रेक लगा दे रहा था वो, तो काफ़ी स्पीड में बस थी ऑब्वियसली, इतनी गुस्सा आई बस वाले को, बस वाला उतरा कंडक्टर उतरा एक तीसरा आदमी भी उतरा, दोनों ने तो दे थप्पड़ मारे, रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली डालना सही भी नहीं है, और बाकी तो यार मतलब इतनी बेरहमी से नहीं चलानी चाहिए भाई, दूसरों की जान का भी ख्याल रखो। तो रोड सेफ्टी के मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम लोग भी तमीज़ से चलाएगा, लड़के बहुत होंडा होंडा की गाड़ी निकालते हो यार, थोड़ा ध्यान दिया करो, अपनी लाइफ नहीं दूसरों की तो बचा दो कम से कम।
बहुत सा सामान लेते हुए बस हम निकल रहे हैं घर की तरफ ही। डैनी घर में है तो रात के बज गए 12:30। अभी मैं नीचे आया हूँ, जस्ट चाची नैनी और मैं बैठ के पूरे टाइम बात कर रहे थे। तो 2-3 घंटा तो एटलीस्ट हम बैठे हुए, डिस्कशन चल रहे थे हमारे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। फिलहाल अब तक उसमें बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कल नहीं सो पाया था, आज सोऊंगा, नींद अच्छे से निपटा लेता हूँ, क्योंकि कल का दिन प्रोडक्टिव निकालना है। फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल 10 बजे, तब तक के लिए बाय।